भाई लाला, ए लाला रुख। जी पापा। अरे भाई टाइम भी देखा है? देख लिया पापा, बस दो मिनट। ये समीर जा रहा, जाओ बेटा। अरे पापा देखिए समीर को रोकिएगा, कहीं बाहर निकल गया ना तो अपने कपड़े बर्बाद कर लेगा। यार ये तुम्हारी माँ तुम्हें डिस्ट्रॉयर क्यों समझती है? क्या वाकई कपड़े बर्बाद कर लाते हो? नहीं डिस्ट्रॉयर नहीं, मैं सबमरीनर हूँ। हाँ और क्या, आप सबमरीनर हैं बिल्कुल अपने बाप की तरह। जी नहीं, जफर मामू की तरह तो बिल्कुल भी नहीं। नाना मैं डैडी ऐसा कमांडर हूँ ना। जी हाँ, वो आप दोस्त के एक्सो हैं और आप जना पानी से डरते हैं। अभी बता दूँ वॉश करते हुए कौन शोर कर रहा था? नाना मैं पानी से डरता, इन्होंने मेरी आँखों में साबुन डाल लिया था। ओह नो, ये फेयर नहीं है लोबना। लो भाई मैं तो तैयार, चले। मैं कैसी लग रही हूँ? हम तो लॉन में जा रहे हैं, तुम लोग जल्दी से आओ। कैसी वाओ? मामी आपके बाल क्या जबरदस्त सेट होने लगे हैं। मामू ने वहाँ जिस भी फ्रेंच हजाम की खिदमत हासिल की होंगी कसम से आर्टिस्ट होगा। किसी फ्रेंच हजाम की खिदमत नहीं हासिल की गई जनाब, ये बाल जो है ना ये हम नेवी वालियों ने खुद ही काटे थे। अब जाकर दो महीने बाद सेट हुए। हाय, तो मामू आज आपको पूरे दो महीने बाद देखेंगे? हाय वाय क्या, असल में तो अपने बेटे को देखेंगे। अरे भाई क्या चलना नहीं है? समरीन जट्टी पे लग गई, फिर पहुंचे तो क्या खाक मजा आएगा। भाई सच्ची बात है, जफर से तो घर पर ही मुलाकात होगी। हम तो नई सबमरीन की सलामी देखने के लिए जा रहे हैं। हाँ मम्मी, हम बैंड सुनने चलेंगे। बैंड? अच्छा, मम्मी को बैंड वैंड नहीं सुनना, इन्हें तो अंकल की वाव सुननी है। चलिए पापा। आइए बेटा आइए। और हाँ लुबना, तुम और आमिर ना फ्रिज से दूर रहना, हम फ्रिज के असल बंदे को लेकर आ रहे हैं। मामू ये कैसी स्मेल है? कहाँ? आप में से आ रही है? अरे पागल, फ्रांस से आ रहे हैं, कलोन लगाया हमने। कलोन के साथ कुछ और भी है मामू? ओह माय गॉड, ये? अरे ये तो हम गाजियों की कारगुजारी की खुशबू है।
भाई अब देखो ना, सबमरीन पे फालतू पानी तो होता नहीं, इसलिए क्लोन से काम चलाते हैं। वहाँ पर कोई भी नहीं नहा सकता। क्या एक्सो भी नहीं नहा सकता? अरे एक्सो तो एक्सो, कमांडिंग ऑफिसर नहीं नहा सकता। भाई पानी में सब बराबर हो जाते हैं। और सबमरीन जो है ना, वो सबको एक स्मेल लेवल पे ले आती है। खुदा के लिए जफर, क्या शुरू कर दिया आपने? चलें चल के नहाएं, चलें प्लीज। रॉजर मैम, चलो भाई, समीर मेरे साथ चलो। अरे ये तुम कोट पहने क्यों बैठे हो? क्या 21 तोपों की सलामी लोगे? क्यों नाराज हो रही है? उतार देता हूँ। एल्बम, मुझे एल्बम मिला है। दिखाओ, किसकी तस्वीर है? लेडीज, फ्रेंच लेडीज। फ्रांसीसी बीबियों की फोटो लाया है सफर जी? एकदम फ्रांसीसी। हटा, दिखा मुझे। ये तो अपनी लाला रुख है। क्या बीवी बच्चे को भेज के कैसे गुजारा करता? समंदर पे दोनों की फोटो देखता हुआ आया है। भूख लग रही है, भूख लग रही है। लाला जी, यार जबरदस्त भूख लगी है भाई। सब कुछ तैयार है, बस सिर्फ 2 मिनट और। आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? चलें टेबल की तरफ आए, यलगार करें। कम ऑन, चलो चलो चलो, शाबाश शाबाश, आ जाओ। क्या पकाया? चावल। चावल? चलें, खड़े हो जाएं सब, चलें मेरे साथ। है क्यों? बस बाहर चल के खाना खाएंगे। क्यों भाई, क्या वहशत है? चावल चावल चावल, महीने भर सुबह दोपहर शाम चावल खाए मैंने। ए भैया, नाने नहीं लगाते वो तुम्हारे कुक लोग? फूफो, आप दोस्त में चूल्हे नहीं जलते, कुकर में 3 वक्त चावल उबाल के पका देते हैं वो जालिम कुक। ए लाला, सच्ची बात है बिटिया, घर में तो इसे चावल मत दो। मैंने कह दिया है कि मैं चावल बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। पराठे। ये लो मिया। ये ढाके में क्या हो रहा है भाई? ढाके में ही क्या, ईस्ट पाकिस्तान के कितने ही शहरों में यही हाल है। अच्छा नहीं हो रहा ये मैं बता देता हूँ। मैं खुद यही कह रहा हूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है। बाबा जी, आप समझदार लोग हो, ये बताओ क्या इन लीडर लोगों का अंदाजा नहीं है? इन्हें पता है ठीक नहीं हो रहा है, इसे ठीक करने की जरूरत है। हाँ, पता क्यों नहीं है बरखुरदार, खूब पता है, और इन्हीं लीडरों को ही मिल बैठकर इसका कोई हल निकालना होगा। बिल्कुल भाई, मैं भी यही कह रहा हूँ कि ऐसा ज्यादा दिन नहीं चल सकता। जब भी कोई गड़बड़ी फैलती है, बराबर में बैठा दुश्मन पूरा फायदा उठाने की कोशिश करता है। हाँ ये तो है, सोले आने सही। ब्रावो। लो भाई, मजा आ गया। मजा आ गया क्या मतलब? भाई पाकिस्तान नेवी ने पहली डेफिनेट क्लास सबमरीन हंगोर एक्वायर की है। इस खुशी में ऑफिसर्स मैस में एक पार्टी है, तमाम ऑफिसर्स उनकी फैमिलीज को बुलाया। कहाँ, किसे बुलाया? सरमीनस की फैमिली गेट टुगेदर है। किस सिलसिले में? पाकिस्तान नेवी की स्ट्रेंथ में इजाफा हुआ है, हंगोर सरमीन आई है, सेलिब्रेट नहीं करेंगे क्या? श्योर, व्हाई नॉट। सॉरी लाला, अभी लाइट बंद करता हूँ मैं। चल रही, मैं भी जाग रही हूँ, किसी जोड़ तोड़ में लगी हूँ। कैसी जोड़ तोड़? आपके हंगोर की गेट टुगेदर है ना, सोच रही हूँ कि क्या पहनूं। एनीथिंग विल डू लाला, आप जो भी पहनती हैं सच जाता है आप पे। रियली इट बिकम्स यू। फ्लैटरर। नहीं सच कह रहा, नए कपड़े बनाने से बचने के लिए अक्सर शौहर बीवियों को यही लाइन देते हैं। Not here, not in my case. अच्छा सर, फिर ये बताएं, ये साड़ी ज्यादा अच्छी लगेगी कि ये? दोनों ही अच्छी हैं, आप दोनों ही पहन लें। आपसे तो कुछ भी पूछना ना फजूल है।
خواتینوں حضرات ہم آپ کو آج کی اس فیملی گیٹ ٹوگیدر میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کی تفریح تباہ کے لیے ہم نے اپنے لوکل ٹیلنٹ میں سے ایک مختصر سا موسیقی کا پروگرام ترتیب دیا ہے اس پروگرام میں شرکت کرنے والے تقریباً تمام کے تمام فنکار ہماری اپنی سمرین سروس کے ہیں تو سب سے پہلے دعوت دیتا ہوں جناب عبدالحق سیال کو چھلا بیری بورے وے وطن ماہیدہ دورے وے جانا پہلے بورے وے گل سن چھلیا چھوڑا وے چھوڑا وے چھوڑا وے میں تو گادا اولا چھلا گل دی پرویز سر اس پرویز امید کو تو آپ نے اتنا مصروف کر دیا ہے کہ پرانے ساتھیوں سے ملنے کا وقت ہی نہیں نکال پا رہا ہے دیکھیے آج ملا ہے السلام علیکم سر ہیلو ہاؤ کم ظفر کہ یہ ہمارا پرانا ساتھی ہے ہی از سرٹنلی ناٹ آور پرانا ساتھی ود ڈیو ریسپیکٹ سر آپ بھول رہے ہیں کہ 66-67 میں آپ کے ظفر صاحب کے ساتھ ٹرکی میں بھی تھا and I'm also the old turkey group member okay young fellow I was mistaken sir ye ek aur aa raha hai turkey ka purana saathi bashir rajput ah bashir kaise ho sir dua hai aapki fit ho fit and seaworthy zahir hai bhai chuttiyan guzar ke aa rahe ho to seaworthy to hoge kahan gaye the gaon gaye the ji ha sir kya ho raha hai wahan sab faslein taiyar hain bas kataiyan shuru hone wali بھائی کبھی ہم سٹی باؤنڈ سب مرینرز کو بھی لے چلو گاؤں فصلیں وصلیں دکھاؤ پلیز سر آپ تو بات ہی مت کریں کیسے کیسے پلانس بناتے ہیں لگتا ہے بس سوٹ کیس تیار کیا رکھا ہے اور جب گھر کانٹیکٹ کریں تو جسٹ ایکسکیوزز اینڈ ایکسکیوزز بھائی محنت کر رہا ہے بہت آگے جائے گا دعائیں سر آپ کی تھینک یو ویری مچ اوکے ینگ فیلوز انجوائے یور سیلف بی سینگ یو تھینک یو ویری مچ ہاں بھائی اور سناؤ سر آپ سنائیے آپ ترکی سے کورس کر کے آئے فرانس سے وہ کیا ہے کیا ڈفرینس دیا تھا دونوں پرویز حمید مائی ڈیئر ٹرکی ٹرکی اور فرانس فرانس ایکچولی پرویز حمید ہمیں دونوں جگہوں پر ٹرولی کمپیٹنٹ پروفیشنلز ملے جو کام کو سکھانا اور کام کرنا دونوں خوب جانتے تھے اور سر کام کے علاوہ وہ ارے یار تم جانتے ہو کہ کام سے تو کبھی فرصت ملتی تھی ٹرکی کا ایک اپنا روایتی تاریخی کلر ہے اور ہاں فرانس میں ذرا اللہ گلا تھا کیپ سیٹنگ پلیز کین آئی سی دا باس ناؤ سر ایڈمرل تو آج سارا دن بزی رہیں گے کل کا کوئی ٹائم لیجیے کوئی اور مشورہ دو اٹس ویری امپورٹنٹ سر آل دا ٹاپ براس از ان پروموشن بورڈ کی میٹنگ چل رہی ہے پروموشن سر ہاں ویری نائس تب تو کل ملاقات ہوگی خدا حافظ سر سر لیفٹیننٹ کمانڈر ظفر محمد خان اس وقت سب مرین ہنگور کے ایگزیکٹو آفیسر ہیں سر انہوں نے فلیٹ اور ڈیفنی کلاس سب مرین کی طبیعت بھی لی ہوئی ہے جی ٹرکی اور فرانس میں ٹریننگ کر کے آیا ہے سر اس کے کمانڈنگ آفیسر نے اچھی رپورٹس دی ہیں اپیئرز ٹو بی کوائٹ اے فیورٹ اینڈ کوائٹ اے پروفیشنل اوور آل پرفارمنس اچھی ہے سر آئی سجیسٹ پروموشن جی ہاں ترقی دی جا سکتی ہے آپ کیا کہتے ہیں پروموٹ کیا جا سکتا ہے اوکے پروموٹڈ ٹو کمانڈر نیکسٹ تمہیں خوشی تو ہوئی ہوگی نا کس بات پر لو یار سمیر پوچھتی ہیں کس بات کی کمانڈر بن گیا ہوں بھائی جناب میں اپنا پیریسکوپ لگائے ایک سب مرینر کا چہرہ دیکھتی رہتی ہوں جب وہ خوش ہوتا ہے تو میں بھی خوش ہو جاتی ہوں سب مرینر تو خوش ہے تمہارا لیکن مجھ سے زیادہ نہیں ہاں بھائی
تم نئے لیونگ کوارٹر نئے پے چیک کے تصور سے خوش ہو رہی ہوگی. پتا ہے مجھے سب بیویاں ایسی خوش ہوتی ہیں. اور آپ ٹوپی کی بیل کی وجہ سے خوش ہو گئے جناب. ویسے ظفر پے چیک از ون تھنگ لیکن اندر کی خوشی اٹس کوائٹ ڈفرنٹ. اور میں آپ کی وجہ سے خوش ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ نے بہت آگے جانا ہے. تھینک یو للا. میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں کے لیے کچھ بہت اچھا سا ہو جائے. کیا خیال ہے للا, سمیر کو بھی سب مرینر بنائیں گے؟ جی ہاں, پہلے کہتے تھے کہ اس کو ڈاکٹر بنائیں گے, اب پھر سب مرینر. میں چھوڑو ڈاکٹری واکٹری کو, بھائی سب مرینرز کی بڑی شان ہے. لیکن ظفر پے چیک, آئی ایم سوری, معافی چاہتی ہوں. اسے ذرا سوچئے کہ ایک ڈاکٹر ایک سب مرین کمانڈر سے زیادہ نہیں کما لیتا. لو بھائی سمیر, تمہاری مدر ڈیئر بھی آخر کو عورت ہی نکلی, وہیں پہ آ کے تان ٹوٹی ہے. پے چیک, نوٹ, ریزگاری. دیکھیے ان دو بوریوں کا بلہ بڑا ہوتا جو میں لکھنا بھول گیا تھا, لکھ لیجیے. اب بھائی ایک منٹ کام کر رہا ہوں. دو بوری لکھتی ہیں. اوہ, السلام علیکم. السلام. کیا حال ہے بھائی صدیق؟ یہ تم سپلائر لوگ مسلسل میرے صبر کا امتحان کیوں لے رہے ہو؟ ہاں بولو, کیسا امتحان بھائی صدیق؟ خیریت تو ہے؟ یہ ناریل ہے. ہاں جی ناریل ہے. ابھی یہ ناریل ہے؟ ہاں بھائی یہ ناریل ہے. اس میں پانی تو ہے نہیں, یہ کیسا ناریل ہے؟ اس میں میرا کیا قصور کہ اس میں پانی نہیں ہے؟ جیسا ٹھیکے دار مجھے لا کر دیتا ہے میں آگے ویسا سپلائی کر دیتا ہوں. میں گھر میں تو بناتا نہیں ہوں, مشرقی پاکستان سے آتا ہے. اور ادھر یہ حال ہو رہا ہے کہ پوچھو کیا کیا ہو رہا ہے وہاں؟ دیکھ نہیں رہے, نہ لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے, نہ سیاست دانوں کی سمجھ میں آ رہا ہے, نہ مجھ جیسے آدمی کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہاں ہو کیا رہا ہے. یہ تو ناریل میں بھی سیاست ڈال کے لے گیا آگے تسلی کے ساتھ. اخبار نہیں پڑھتے بھائی صدیق, روز بروز حالت بگڑتی جا رہی ہے. دشمن اپنے آدمی گھسا رہا ہے چوری چھپے, وہی گڑبڑ پھیلا رہے ہیں. ڈھاکے کی حالت دیکھ ہی نہیں جاتی. تو گیا تھا وہاں دیکھنے؟ بھائی میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا تو کیا ہوا, سن تو رہا ہوں. یہ ناریل تو بتا رہا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ دشمن یہ چاہتا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا راستہ بند کر دے, ہم مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان نہ جا سکیں, وہ ہمیں توڑ کر رکھے. اے بھائی یہیں اب تک ٹہل رہا تسلی کے ساتھ, گیا نہیں؟ بھائی صدیق بہت مصروف آدمی ہو, اتنا بھی وقت نہیں تمہارے پاس کہ دو منٹ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. میں تیرے گھر ملنے آیا ہوں تجھ سے. بیٹھ جاؤ. میں یار محبت میں کہہ رہا ہوں. او بھائی محبت, یہ لے پکڑ ناریل اور اس میں پانی بھروا کے لے گیا. کیا اوپر سے تڑی ملتی ہے مجھے بے وقوف. سنو جی, یہ ناریل کے بال مت پھینکنا. کیوں کیوں؟ تیرے کام آئیں گے. صرف میرے؟ چلو ناریل ٹھیک کرا کے لاؤ. چلو 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 چلو. السلام علیکم سر. کیسی لگتی؟ بیوٹیفل سر. کیا خیال ہے؟ کس بارے میں سر چاہیے؟ جی سر. کمانڈ کرو گے؟ اٹس این آنر سر. اوکے ٹیک اٹ. مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے نیول ہیڈ کوارٹر سے اطلاع ملی ہے کہ آپ کو سابین غازی کا کمانڈنگ آفیسر اپوائنٹ کیا گیا. کانگریچولیشنز, ویل ڈن, آئی ایم ویری ہیپی. تھینک یو سر. Come on board, sir. Thank you. Visibility good. No visual
Captain Roger, Bismillah. Submerge the boat to periscope depth. Bismillah, submerge the boat to periscope depth. Roger, sir. Bismillah, dive, dive. Bismillah, dive, dive. Save boat, sir. Roger, periscope depth. Periscope depth, Roger, sir. Five down, periscope depth. Five down, periscope depth, Roger, sir. All compartments condition normal at periscope depth, sir. Roger. Calling officer. 5.5 meter. Roger, sir. 5.5 meters. 5.5 meters. Set depth 5.5 meters. Set depth 5.5 meters. 10 down 5.5 meters. 10 down 5.5 meters. So, prepare to come to periscope depth. Prepare to come to periscope depth. Roger, sir. Prepare to come to periscope depth. Periscope depth, Roger. Turn up periscope depth. Periscope depth, sir. Roger. Good. अगर हम periscope depth पर दुश्मन का एक तैयारा detect करते हैं. तो इस सूरत हाल में हम इमरजेंसी डाइव कर जाएंगे. रैकेट अलार्म एक मिनट सर. 20 down 100 meters. 20 down 100 meters. रोजर सर. मोटर हेड 4 लेफ्ट फुल रडर. 100 meters सर. स्टडी इंजीनियर. वेरी गुड प्लांसमैन. मोटर हेड 2 carry out surface procedure and let's go back. Thank you. आवान, तुम तो आरिफ और लेफ्टिनेंट शेरा को साथ ला रहे थे ना, क्या हुए वो दोनों? भाभी, शेरा इस वक्त ड्यूटी ऑफिसर है, वो और शाजी सबमरीन पर है. आरिफ अपनी स्कूटर पर जमान को बिठा के रवाना हो चुका है, बस आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, हमेशा की तरह पंक्चर जुड़वा रहा होगा. नो नो नजीर अवान, ये तुम उसकी स्कूटर के खिलाफ अफवाहें क्यों उड़ाते रहते हो? नॉटी चैप. सर, आपने वो स्कूटर देखी नहीं, अगर देख लेना तो 2-3 अफवाहें तो आप भी कॉइन कर दें. लेफ्टिनेंट अवान, तुम नहीं सुधरोगे. अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम सलाम. आहा बशीर राजपूत, लेट कमर? नो लाला भाभी, आधी लेट कमर नहीं हूँ, ओनली दिस टाइम. सॉरी भाभी. चलो, इस बार माफ किया. मगर ये क्या, अकेले क्यों आए हो तुम? कुलसुम भाभी, आपकी मिसेस राजपूत इस वक्त ड्यूटी दे रही हैं. उनकी एक कजन माशाल्लाह से मेटर्निटी होम पहुंच चुकी हैं, तो उनका मोराल हाई रखने के लिए वो भी वहीं मौजूद हैं. अच्छा, तो कजन से गिव एंड टेक हो रहा है. चलो, आज कजन की बारी है तो खैर से, कल उनकी बारी होगी. इंशाल्लाह सर. खवातीनों हजरात, गरम गरम सूप हाजिर है. तो तुम लोग सूप के किचन पे रेड करने गए थे ना? जी सर. बहुत सर, ये लीजिए. आपने सर लाला भाई समीर को उठाओ ना, माशाल्लाह तोते की तरह बातें करते हैं और तुमने उसे सुना दिया. हाँ ना लाला भाभी, डैडी की प्रमोशन की खुशी में इनकी आंटी कुलसुम पार्टी दे रही हैं और बेटे साहब सो रहे हैं. प्लीज सितारा, सोने दो ना, बहुत तंग करेगा. hey, समीर, come on, wake up. प्लीज जफर, अभी ना उठाएं, उठ गया ना दौड़ाए दौड़ाए फिरेगा मुझे. बाप की तरह डायनामिक है, कोई मजाक तो नहीं है? ऑफ कोर्स डायनामिक. और भाभी, सर ने क्या जबरदस्त वर्कअप दिया आप दोस्त गाजी को. लाला भाभी, आप होती ना तो देखती. लेफ्टिनेंट अवान, मेरा मकसद ये नहीं था, तुम तो तालियां बजवाने लगे. और हां, डोंट टॉक शॉप, दफ्तर की बात है, घर पर नहीं, समझे? दफ्तर आपने अच्छा कहा सर. वैसे लेडीज,
It is a privilege to be on board. Ghazi, kya submarine hai? My old new boat. Aur bhabhi, uski reach? Oh my God, 14,000 mil tak beruke ja sakti hai. Pata hai Sitara, 311 feet se zyada lambi hai. Bas yun samjho ke pani ke andar koi chota mota steamer chala raha hai. We are in love with her. I believe you, Parvez. वैसे भी जफर जो है ना रोज उसका कसीदा पढ़ते रहते हैं। भाई हमारी पहलोटी की है, पाकिस्तान नेवी की अपनी पहली सबमरीन। माशाल्लाह मुबारक हो। Oh my God, listen, ये क्या आवाज आ रही है? सर, लेडीज एंड मास्टर समीर, who is thankfully sound asleep, पेश करता हूँ लेफ्टिनेंट आरिफ लतीफ की मशहूर है जमाना स्कूटर। ओह माय गॉड, अगर ये आरिफ की स्कूटर की आवाज है तो आवान आई अपोलोजाइज, कोई अफवाह इस स्कूटर के लिए ज्यादा देर अफवाह नहीं रह सकती। इस वक्त हमारा डिस्कशन ब्रीफ होगा। इन फैक्ट वी विल नॉट बी डिस्कसिंग एनीथिंग, टाइम कम है, बल्कि ऐसा समझिए कि समय आ गया। सॉरी सर, आई एम लेट। ईस्ट बंगाल में, जिसे कोई लोग ईस्ट पाकिस्तान भी कहते हैं, हाँ वो ठीक कहते हैं, तो ईस्ट में जो हमारी राजनीति यानी पॉलिटिक्स ने जो कुछ बोया था, हम उसकी फसल तैयार है। एंड आई बिलीव समय आ गया है। ऊपर से मतलब मुख्य कार्यालय से इशारा मिला है कि अपने एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत और उसके कैरियर ग्रुप को शिफ्ट करने का है। नो, आश्चर्य की बात नहीं है, एक्सपेक्टेड। ऑर्डर्स मिले हैं कि विक्रांत को ईस्टर्न थिएटर ऑफ आई मस्ट नॉट से वॉर, ईस्टर्न थिएटर ऑफ एक्टिविटीज में पहुंचा दिया जाए। Sir, you mean we are going to move Vikrant? You are very brilliant, my dear Admiral Sore. आप सही समझे भैया? Yes, we are going to move it. हम विक्रांत को कोचीन से विशाखापट्टनम शिफ्ट करते हैं। And gentlemen, this is our first move. ये क्या हो रहा है? तुम्हारी मदद कर रहे हैं। वन शुड हेल्प वन्स वाइफ। जी नहीं, नॉट इन द किचन, बिल्कुल नहीं। आप ऐसे करें, जाके कमरे में आराम से बैठे ताकि मैं अपना काम जल्दी से खत्म कर लूं। देखो, फिर शिकायत नहीं करना कि घर के काम में मदद नहीं करते। मैं और शिकायत, बिल्कुल नहीं शिकायत करूंगी, बस प्लीज मेरे पे एक फेवर करें, जाके कमरे में बैठ जाएं। ठीक है, इतनी मुश्किल से ये खोला था कैन। क्या हुआ, एक सेकंड में खोल देते दूसरा। जरूरत नहीं, आप जाके बैठे। हाँ, फोन की घंटी, फोन की घंटी, चल फोन की घंटी सुने, फिर आगे आगे खा लेंगे। नहीं, ओहो, ये भी एडमिरल साहब बैठे हैं। यस सर। कुड आई सी हिम? अभी फौरन सर। इट्स अर्जेंट। ऑल स्टेशन, ऑल स्टेशन, दिस इज ऑपरेशन ऑफिसर। आज से कराची के तमाम डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स में ब्लैकआउट की मशकें होंगी।
अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम आवान नौजवान। सर वो लाहौर से खत आया। सब ठीक है? जी जी सर बिल्कुल खैरियत है। तो फिर सर वो लोग कह रहे हैं कि दो तीन रोज के लिए सही मगर आ जाओ। छुट्टी चाहिए। सर अम्मा जी कह रही हैं कि पहली फ्लाइट से आ जाओ, शादी करके दूसरी से चले जाना। अच्छा शादी, शादी इज ए गुड थिंग। जी सर। आई डोंट नो अवान, बट टू गेट लीव इन हालात में छुट्टी, चलो देखते हैं। चलो ओनली 5 डेज, तैयारी करनी है, किसी वक्त भी सेल करने का हुक्म मिल सकता है। रोजी सर। सर इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक उनका त्यारा बरदार जहाज इस वक्त बे बंगाल में इस जगह मौजूद है और इस पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। इन हालात में आप दोनों के डिप्लॉयमेंट के बारे में आपका क्या प्लान है? सर मेरे ख्याल में हालात को देखते हुए हमें एक आपदोज को फौरन बे बंगाल भेज देना चाहिए। सर ये कार्रवाई दुश्वार जरूर है लेकिन काबिले अमल है। अप्रूव्ड। सर हमें पोर्ट विशाखापट्टनम का ब्लॉकेट करना होगा ताकि उनके जहाजों की आमद और रफ्त बंद हो जाए। क्या हमारी सबमरीन इतने फासले पे जाके माइंस बिछा सकेंगी? ऑफ कोर्स सर, और ये कैपेबिलिटी सिर्फ गाजी में है। 2500 माइल जाकर ऑपरेशन करें और वापस आ जाएं। देन इट्स गाजी वी वांट। यस ऑफ कोर्स। Come on. Be smart. Sir. Everything is under control? Yes, sir. That's good. वो अवान कब ज्वाइन कर रहा है? सर वो कल रिपोर्ट करेगा सर। अच्छा वो मुझे पता है कि आप बहुत मसरूफ हैं लेकिन मैं चाहता हूँ कि अवान फैमिली की गाजी फैमिली में शमूलियत पूरे नेवल ट्रेडिशन के साथ होनी चाहिए। रोजर सर। वो याद है आपको लेफ्टिनेंट कमांडर चीमा की शादी? रिमेम्बर दैट? यस सर। ठीक है ओके। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सितारा, अरे सितारा देखो कौन आया है। भाई मार्का सर करके आ गया हमारा नौजवान। ये है शैला। अस्सलामुअलैकुम। वान हो शैला? शैला ही नाम है तुम्हारा। बहुत बहुत मुबारक हो। आई ना यहाँ पे क्यों खड़े, अंदर चले आप लोग। चले 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 चले। तो शैला अच्छा लगा हमारे शमशाद भाई का घर? बहुत अच्छा। खबर है शैला तुम्हारा ये दूल्हा लाहौर जाने से पहले भागा भागा मेरे पास सिर्फ ये कहने के लिए आया था कि इसकी दुल्हन का नाम शैला है। वाह भला ये भी तो बात थी। अरे यही तो बात थी। शमशाद भाई को और सितारा भाभी को मुझे बताना था कि मैं किसी मिस एबीसी से शादी करने नहीं जा रहा, शैला से शादी करने जा रहा हूँ जनाब। वैसे हाँ भाभी, शैला नाम अच्छा है ना? क्यों नहीं भाई, नाम भी प्यारा है और हमारी दुल्हन भी प्यारी है। नन्ना थैंक यू नहीं, थैंक यू तो हमें कहना चाहिए तुमसे। अरे भाई इस आह्वान को शादीशुदा लोगों के सफ में तो तुम लेकर आई हो, वरना इससे तो कोई शादी नहीं कर रहा था। शैला ये मेरे सीओ कमांडर जफर की मेहरबानी थी जो ऐसे वक्त में उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी। हम यहाँ से उठेंगे ना तो सीधा कमांडर जफर और लारा रुख भाभी के घर जाएंगे। ठीक है? तुमने फोन कर दिया था भाभी को? कैसा फोन? अरे भाई कि हम शैला को लेकर आ रहे हैं। भला इसमें फोन की क्या जरूरत थी? इस तरह बगैर बताए अगर तुम शैला को ले जाओगे ना तो लाला रुख भाभी ने तो तुम्हारा टीपा ही कर देना है। टीपा? मेरा मतलब है बहुत सख्त नाराज होंगी। पता है शैला जब कोई नई दुल्हन आए ना तो लाला भाभी पूरा प्रोटोकॉल देती हैं, पर मिठाई हार फूल और जनाब कोई प्यारा सा गिफ्ट भी। हाउ स्वीट ऑफ हर। हाँ भाई अगर उनकी गुड बुक्स में रहना है तो उन्हें पहले से इन्फॉर्म करके लेके जाना। अरे भाई आराम से बैठो ना तुम। ठीक हूँ भाभी। अरे भाई नौजवान आवान दुल्हन को किस तरह लाए हो? स्कूटर पे? स्कूटर?
आरिफ की स्कूटर पर। हर दुल्हन आरिफ की स्कूटर पर जिद हो जाती है। ला 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 ला। क्या बात है आरिफ की स्कूटर की भाई। भाभी जरा गरम गरम चाय तो पिलाइए ना, पहले दिन आपके घर आए हम लोग। इजाज चाय ला भाई। अब देखो बेडरूम छोड़ के यहाँ लेटी है, रेस्ट जरा भी नहीं करती, ठीक कैसे होंगी? क्यों पो? रेस्ट क्यों नहीं करती आप? पर हाँ मैंने सुना है कि आप सारा दिन के लिए रिक्शा बुक करती हैं, कारसाज, केमाड़ी, मलीर सब जगह एक ही दिन में चक्कर लगा लेती हैं। नहीं बेटा ये तो ऐसे ही कह रहा है। और हाँ मैंने सुना है कि आप परहेज भी नहीं करती। परहेज ही क्या, बस एक गिलास शरबत ही तो पिया था, वो भी बर्फ डाल के। बर्फ इस मौसम में? प्लीज पोपो देखें परहेज करें और आराम भी, ठीक है? अच्छा अब हम चलते हैं। नहीं बेटा बैठो। लाला बेटी उधर वालों की कोई खैर खबर आई? जी पोपो वो जफर के दोस्त हैं अजीज अहमद खान, उन्होंने ढाका से फोन किया था। अपनों में तो सब खैरियत है, वैसे खुदा रहम करे जो हो रहा है ना पोपो अच्छा नहीं हो रहा। सुना है बड़ी मारामूरी हो रही है बेटा, सफर कहीं जंग न छिड़ जाए। लाला बेटी क्या बता रहे थे तुम्हारे अजीज अहमद खान? पोपो लेफ्टिनेंट कमांडर है नेवी में, बड़ी मुश्किल से फोन करते हैं, वो भी खैरियत का सिर्फ। बेटा जफर क्या होगा? अल्लाह जाने पोपो। भाई इनसे क्या पूछ रही हो? अरे भाई ये सर्विसेज के लोग हैं, सियासी मामलात पर कमेंट्स नहीं करेंगे। क्या सियासत हो रही है, खलका जान से जा रही है, इंसानों की कैसी खुआरी हो रही है। पोपो दुआ कीजिए और इजाजत दीजिए। और हाँ वो आराम वाली और परहेज वाली बात याद है? अभी घंटे दो घंटे याद रहेगी, बाद में देखिएगा क्या होता है। तो नहीं। अच्छा पप्पो खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज। दीजिए पप्पो की आदत भी हो गई, बहुत खुश हो गई थी आपको देखकर। क्या प्रोग्राम में, घर चले वापस? बाजार खुले होंगे शायद, सोचिए थी एक दो चीजें खरीद लेते हैं इस वक्त। आप भूल रहे हैं शायद हमने कल आवान और उसकी बीवी शैला को बुलाया हुआ शाम में। अच्छा आवान नौजवान। यंग मैन चलो ठीक। जाओ लेटर। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है सिद्दीक? ठीक ठाक आप सुनाए? वेलकम बैक, सब ठीक ठाक? रॉजर सर, रॉजर सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम बैक आवान। थैंक यू सर। सर तैयारियां जोर शोर से? हाँ अपना सामान और डिपार्टमेंट चेक कर लेना, ऐसा ना हो कि कोई चीज रह जाए। आई आई सर। और हाँ शाम की तैयारी है? जी सर, शाम को भी यूनिफॉर्म पहना दिया आपने। हमने नहीं यंग मैन, आपकी मेहरबानी ने पहनाई है। ओके सर। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू गाजी फैमिली। थैंक यू सर। खास आपके लिए बनवाए उन्होंने। चले ले चले। और सब ठीक ठाक? वेरी नाइस, वेरी नाइस। नंबर वन सर, गुड अरेंजमेंट। थैंक यू सर। कीप इट अप। यार हम तो इंतजार कर करके सूख गए भाई। सर इंतजार मेहमानों खुसूसी का? अरे वो दोनों तो आ गए हैं, खाने पीने की चीजों को कह रहे हैं यार। लाला हाँ? यार खाना कोई कोल्ड ड्रिंक्स कुछ दें भाई। बस दो मिनट प्लीज, दो मिनट। अभी आ जाते हैं सब। हाँ ठीक। अच्छा नंबर वन सर कंटिन्यू पार्टी। हाँ मैं आता हूँ। रोजर कैसा रहा हमारा?
السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ظفر پرسوں غازی سبمرین نے پٹرول کے لیے جانا ہے. رائٹ سر. سر اینی اسپیسیفائڈ ایریا؟ فی الحال تو کوئی اسپیسیفائڈ ایریا نہیں ہے لیکن ہم آپ کو بائی سگنل اطلاع دے دیں گے. رائٹ سر. آپ چاہیں تو غازی کی سیلنگ لسٹ میں امینڈمنٹ کر کے مجھے کل 10 بجے تک دے دیں. رائٹ سر. میں اپنے ایکسو سے اس ایشو پہ بات کرتا ہوں اینڈ آئی لیٹ یو نو سر. پلیز ڈو دیٹ. میں آپ کو غازی کے مشن کے لیے 3 لفافے دے رہا ہوں. پیٹرول کے دوران آپ کو سگنل مل جائے گا کہ آپ نے کون سا لفافہ کھولنا ہے. ایکسکیوز می سر. کچھ پوچھنا ہے آپ؟ نو سر ایوری تھنگ از کلیئر. اوکے دین بیسٹ آف لک. تھینک یو سر. پرویز جلدی کریں ہمیں دیر ہو رہی ہے. ایک منٹ دم تو نہیں ہے بھائی. جلدی کریں وہ سب لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے. ایک تو آپ کے گھر والوں کو دعوت کا بہانہ چاہیے بھائی. میں کوئی پہلی مرتبہ سی میں تھوڑی جا رہا ہوں. ایک تو ذرا بھی کرٹسی نہیں ہے آپ میں. وہ اچھا تھا نا کہ کوئی آپ کو لفٹ ہی نہیں کرا تھا. مائی ڈیئر بیگم کلثوم پرویز حمید کبھی کبھی ہمارے مذاق کو بھی سمجھ لیا کریں. ہم جس اسرار کا کلمہ پڑھتے ہیں اسے بھی تو اپریشیٹ کیا کریں. دیکھیں 8:30 بج رہے ہیں بس چلیں. چلیے جناب چلیے. بس ایک بات کا خیال رہے کہ واپسی جلدی ہوگی کیونکہ کل میری زبان کی. ٹھیک ہے آئیے. یہ لیجیے اس شیونگ کٹ میں سے یہ ٹوتھ برش غازی پر اور یہ شیونگ کٹ گھر پر. یہ مینول آف ڈیوٹی غازی پر اور یہ ٹاول بھی غازی پر. یہ گھر پر یہ بھی گھر پر. یہ کلون غازی پر. یہ پیارا سا سمیر گھر پر اور یہ سب میرے نر ظفر احمد کے غازی پر. اور اے اے لالا میم صاحب رائٹ اپ رائٹ اپ روشن ہو جاؤ کمکم کی طرح. ہاں اچھا کمکم پتہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں پتا. ارے بھائی بلب ہوتا ہے یار. اور زمزما پتہ ہے؟ زمزمہ ہوتا ہے نغمہ اور گیت. زمزمہ ہاں ایک اور چیز کو بھی کہتے ہیں وہ جو لاہور میوزیم کے چوک پہ رکھی ہوئی توپ نہیں ہے آپ کی طرح. That's better. ہر وقت مسکرانے کی ضرورت ہے. بد اخلاقی بالکل بھی نہیں چلے گی. شادی کے بندے سے نیوی کی ہے نہیں آئی مین نیوی کے بندے سے شادی کی ہے. That's very good. I like it. ہر وقت اپنا مورال ہائی رکھنے کی ضرورت ہے. اوکے کیپ اٹ اپ. چلو یہ پیک کرو جلدی سے. وہ اندھیرے میں چوکنا اور چوکس غازی کھڑی ہوئی ہے اور یہ رہا ٹرولی یورز روانگی کے لیے تیار. بین خدا حافظ. ہلا ٹیک کیئر. یو ٹو ٹیک کیئر. آئی مسٹ کانٹ افورڈ ادر وائز. کپتان ہوں. آئی یوسف یو آر رائٹ. ریڈی ٹو سیل. روجر. Take care. Keep it up. Khuda hafiz. Khuda hafiz. Khuda hafiz. کالی دیوی روانہ ہو گئی ہے. ان کی سب میرین غازی ہوم بیس سے چل پڑی ہے. او غازی آئی سیڈ جی ایچ اے زیڈ آئی غازی کراچی سے چلی ہے. اینڈ وی ہیو ٹو فائنڈ ہر.
क्लियर। नो क्लोज कॉन्टैक्ट। ओके लेट्स गो डाउन 5 मीटर। सॉरी सर, माफी चाहता हूँ सर। इट्स ओके। आप कुछ उदास से लग रहे हैं। ना ना, उदास से किस बात की? सर एक मरतबा फिर माफी चाहूंगा। अभी अभी आप भाभी साहब का फोटोग्राफ देख रहे थे ना। सर नेचुरल बात है, टाइम ही कितना हुआ आपकी शादी को? ओनली 5 दिन, सिर्फ 5 डेज। दिल बहल ही जाता है सर, ड्यूटी सब कुछ भुला देती है। ये तो तुम ठीक कह रहे हो सिद्धि। सिद्धि एक काम करो, एक प्याली मुझे गरम गरम चाय पिला दो। हाजिर सर, एनी टाइम। सर साथ में बिस्किट दिला। ले आओ। रॉजर सर, रॉजर सर। अंगूर से फारिग होके जरा सांस ली थी। सीओ साहब ने गाजी के लिए बुला लिया और अपनी लीव कैंसिल करा के आया हूँ। तुझे वैसे भी लीव का क्या करना था यार, और जफर साहब जैसा सीओ मिल जाए तो ड्यूटी में छुट्टी से बढ़कर मजा आता है। और तो कुछ नहीं हबीबुल्ला, ताजा हवा याद आ रही है। अंगूर से उतरे गाजी पे आ गए। लियाकत की बात है रमजान। अल्लाह की मेहरबानी है जी, इंजन ब्रांच के सेलर एक की जगह चार चार मिल जाते। ये बड़ी बात है जो मेरा सिलेक्शन हुआ, और लीव तो फिर मिल जाएगी। मैंने सीओ साहब से वादा लिया हुआ है कि आपकी पेट्रोलिंग करके उतरूंगा तो स्टेशन से लेकर गांव जाऊंगा। गांव में क्या है भाई, गांव वाली तो तेरे साथ है। कॉन्टैक्ट बेयरिंग 120 सर। सर देयर आर सोनार कॉन्टैक्ट्स on bearing 120. Roger number 1. आ रहा हूँ मैं। Just take a look. Number 1. Close the action stations. Roger sir. Stations close up, sir. Roger. Time to periscope depth. Sir, enemy warships in 10,000 meters. 20 down, 100 meters. 20 down, 100 meters. Roger, sir. Make it fast. Moderate 4. One zero zero meters, sir. Big ship for ultra quiet. Prepare 3 torpedoes for urgent attack. Torpedoes ready, sir. Sir, dushman range mein. Tikana de. Sitting ducks. But we are not at war. ये
Yes, sir. We are on the alert, sir. वैसे अभी तक उनकी सबमरीन लोकेट नहीं हुई. मेरा ख्याल है सर रूटीन की पेट्रोलिंग कर रही होगी. जी उनके अपने इलाके हैं जी. ऑफकोर्स सर, ऑफकोर्स. बॉम्बे को पहले ही अलर्ट कर दिया है. जी जी सर, ये तो हमने पहले ही कह दिया था जी. ओके सर, ओके. तो भाभी हैरत किस तरह मालूम होगी उन लोगों की? शैला जब वो पसीने में तर खुद आके टोरबल बजाएंगे ना तो मालूम हो जाएगा कि वो खैरियत से हैं. भाभी कुसुम बताइए ना. बता तो रही हूँ मैं तुम्हें. आई नो यू आर जोकिंग. शैला देखो जब सब मरीन पेट्रोलिंग पर निकल जाए ना तो वो सिर्फ रेडियो सिग्नल रिसीव करती है, जवाब नहीं देती. मतलब ये कि सुनती है बोलती नहीं. कोई तरीका नहीं खैर खैरियत मालूम करने का? है. क्या? दिल कह देता है कि सब ठीक है. दिल की खैर है भाभी. शैला दिल के सहारे चलना पड़ता है. तुम्हें पता है समरिया की बीवी के हिस्से में पहले ही दिन से जुदाई का अच्छा खासा कोटा अलॉट कर दिया जाता है. तुम्हें बताया नहीं अवान ने? शैला नहीं, नहीं लड़की नहीं. कम ऑन. देखिए दीजिए लड़की ऐसे नहीं चलेगा. देखो बहादुर बनना बहुत जरूरी है. सबमरीनर्स की वाइफ्स को तमाम सोल्जर्स एयरमैन और सेलर्स की बीवियों से अलग कुतादी बहादुरी दिखाना पड़ती है. और अब आने तुम्हें यह भी नहीं बताया कि जंग हो या अमन सबमरीन हमेशा हालत जंग में रहती है. मगर किसे दिखाएं बहादुरी? एक दूसरे को. लीजिए या मुझे समझा रही थी और या एक्सो साहब की बेगम खुद ही. तुम मेरी फिक्र ना करो. एक बात तो बताना ही भूल गई, लाला रुख भाभी का फोन आया था. ईस्ट पाकिस्तान से उनके बहन भाई आ रहे हैं. उनके पेरेंट्स ने टटागोंग में जफर भाई के दोस्त लेफ्टिनेंट कमांडर अजीज से कॉन्टेक्ट किया हुआ है. उन्होंने इतला दी है कि कहीं से कोई खबर नहीं सुनी गई. इसका मतलब है कि सबमरीन गाजी खैरियत से है. समझी? नो न्यूज इज गुड न्यूज. खुश? अच्छा ये बताएं अम्मी अबू कैसे हैं? ठीक है, बस हालात की वजह से वरिड है. लाला क्या हालत हो गई है उधर, बयान नहीं कर सकती. हाँ अंदाजा है हमें. तुम्हें सिर्फ अंदाजा होगा, ये सब लिखा जब आज खुदा क्या हो गया लोगों को. अगर कभी कभी अजीज अंकल का फोन नहीं आ जाया करता तो बिलीव मी हम लोग उधर पागल हो जाते. वाकई वो अम्मी अबू का बहुत ख्याल रखते हैं. जफर भाई कहाँ है? ड्यूटी पर. ड्यूटी? कहाँ गए वो ड्यूटी पर? पता नहीं. वैसे ठीक तो है? हाँ हाँ बिल्कुल खैरियत से. नंबर वन prepare to come to periscope depth and snorkel on 2 inches. Aye, aye, sir. Prepare to come to periscope depth. Prepare to snorkel 2 inches. Roger, sir. Ready to come to periscope depth and ready to snorkel 2 inches, sir. Roger. Periscope depth, sir. Nothing visual. Raise induction mast. Commence snorkeling. Use 2 electrodes. Check.
छुपी रहे नहीं हजार विचू वे सहलियां नाल अटके लिया मान मस्ती ओ तरह सयाल क्या जालिम गाता है भाई तसल्ली से और आवाज भी और आदमी बड़ा बीबा है वाकई बहुत बीबा है वाह चलो भाई चलो चलो शाबाश चलो टाइम आप ब्रदर सर जा रहे हैं साहब ये सिद्दीक टाल मटोल कर रहा है ये सिद्दीक तो खाना निकालने में भी टाल मटोल करता है नहीं साहब ताबेदार है सर बहुत ताबेदार आइए आओ ताबेदार हटना है चलो भाई चलो आ जाओ रॉजर सर रॉजर सर Sir, the most repeated signal has been received. Message fireball. Opening on loop number one. Number one. Masadai. हमारा असाइनमेंट यह है कि हमें हिंदुस्तान की बंदरगाह विशाखापट्टनम को माइंस बिछाकर बंद करना है। यस सर। दैट्स गुड। नेविगेटर से पोजीशन चेक कीजिए और मुझे बताइए कि हम अपने हदफ पोर्ट विशाखापट्टनम से कितनी दूर हैं। रोजर सर। और हाँ 10 मिनट बाद मैं शिप्स कंपनी से कुछ कहना चाहूंगा। रोजर सर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ऑल पोजीशन दिस इज योर कैप्टन हमें असाइनमेंट बता दिया गया है हम हिंदुस्तान की पोर्ट विशाखापट्टनम को माइंस बिछाकर बंद करने जा रहे हैं उनके तैयारा बरदार जहाज विक्रांत ने उस पोर्ट को अपनी कमीगा बना लिया है इसलिए ये जरूरी है साथियों जिसके लिए हमने तरबियत ली अपने घरों से चले मैं उसे एक लफ्ज में जानता हूं और वो लफ्ज है पाकिस्तान पाकिस्तान के लिए हमने तमाम महारतें हासिल की और पाकिस्तान के लिए हम घरों से निकले हैं जब तक जिंदा रहेंगे वर्दी में हो चाहे ना हो इस नाम को ऊंचा रखने के लिए निकलते रहेंगे क्योंकि हमारी सब नस्लों की जिंदगी और उमंग है ये नाम एक मस्त हाथी के पांव में जंजीर डालने निकले हैं आप किसी के चिराग बुझाने के लिए नहीं
अपने चिरागों को रोशन रखने के लिए निकले हैं। दोस्तों, कामयाबी अतिया खुदाबंदी है, जो उसने चाहा तो आपके हिस्से में आएगी। खुदा सलामत रखे। नारे तकबीर, पाजी मैं अभी तक बहुत फिक्रमंद हूँ। आप और फैसल तो यहाँ आ गए, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अम्मी अबू अगर कोशिश करते तो आ सकते थे। लाला, हम लोगों ने बहुत कोशिश की मगर सीटें ही दो मिली। हमने तो अम्मी अबू से ये तक कहा कि आप लोग चले जाएं, मगर वो नहीं माने। कहने लगे कि तुम्हें किस पर छोड़कर जाएं। अब तो कोई रब्ता भी नहीं कि खैरियत की खबर मिल सके। मैंने जवाद भाई को लंदन कॉन्टेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं मिल सके। पाजी सच बताए, वहाँ पे कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? बस दुआ करो लाला कि सब खैरियत रहे। हम लोगों ने तो वो मनाजिर देखे हैं कि रूह कांप जाती है। साफ लगता है ये मजालिम भाई भाई में नहीं कर सकता, ये यकीनन बाहर वालों का काम है। सिपाजी मैं सोची हूँ कि अगर अम्मी अब्बू से राबता हो जाए ना, तो कम अज कम मैं उनको ये कह दूं कि अगर यहाँ नहीं आ सकते तो किसी और मुल्क की तरफ निकल जाए। कैसी बातें कर रही हो लाला, क्या पैदल निकल जाएंगे? सब तरफ की तमाम फ्लाइट्स बंद हो चुकी हैं। अब अगर कोई फ्लाइट आई तो कराची ही आ सकती है। खुदा खैर कर। यार मैनुअल, हाँ, अपना सीओ साहब भी शेर आदमी। हाँ सिद्दीक, वो तो है यार। पूरी बात तो सुनाकर तसल्ली के साथ यार, वो तो है। तो क्या है, बोलना जल्दी बोल, क्या बात है? दो बातें बोली हैं सीओ साहब ने मेन ब्रॉडकास्ट में, दिल गरमा के रखते। हाँ बराबर है यार। मैं तो कहता हूँ दोस्त, मैं कुक नहीं होता, टॉरपीडो मैन होता तो क्या कर लेता? हसरत निकाल लेता दिल की तसल्ली के साथ, टिका के दो टॉरपीडो मारता और वो क्या कहते हैं, वो विशाखे में माइंड्स बिछाता चला जाता। ओ पागल, तू जो काम करने जोगा है ना, वो ही तसल्ली से कर यार। तो चावल छोले में क्या करना है यार, बोल बोल ना। मैं बताता हूँ सुन, तू एक कुंडा ले और कांटा लेके तेर तवा निकल जा बाहर, और भाई बाहर से वेल मछली पकड़ के ला, फिर बना सबके लिए फिश फ्राई और प्लेट के अंदर आलू छोले डाल और खिला सबको। ठीक है, ठहर मैं बनाऊं तेरी फिंगर फिश। ठहर जा। और भाई अवन, क्या हाल है? How do you feel? Sir, बिल्कुल ठीक। On top of the world. Good. Sir, आपने ये खास तौर पे अवानी से क्यों पूछा? पता है आपको, पहली बार बिछड़ा है, इसलिए इसकी फिक्र मुझे ज्यादा है। और भाई लेफ्टिनेंट अवान, हल्का हल्का लग रहा है? जी सर, बहुत। पता है ऐसा क्यों है? अब जाकर हमें मालूम हुआ है कि कहाँ जाकर हमें क्या करना है। Collection, my dear young man. कहाँ जाके क्या करना है और क्यों करना है, दिस क्यों इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात बताऊं, अगर मकसद और उसका इखलाकी जवाब दोनों मौजूद हो तो दुगने जज्बे के साथ फर्ज अदा होता है। एक्सक्यूज मी सर, फर्ज तो फर्ज होता है, इसे हर हाल में राइट और रॉन्ग से बुलंद होकर अदा करना होता है। करेक्ट, आई एग्री। देखिए, आज अगर मैं शिप कंपनी से अपने पूरे 92 दोस्तों से अगर ये कहता कि हमारा हदफ पोर्ट विशाखापट्टनम है, और ये ना कहता कि उसे क्यों निशाना बनाया जा रहा है, तो भी वो उसी जज्बे और महारत के साथ वही कुछ करते जो कर रहे हैं और करेंगे। ऑफ कोर्स सर। तो फिर मैंने ये क्यों कहा कि हम किसी के चिराग बुझाने के लिए नहीं, अपने चिराग रोशन रखने के लिए चले। जाहिर है हर कार्रवाई का अखलाकी जवाब देना जरूरी नहीं होता, या होता है? बिल्कुल नहीं। करेक्ट, राइट सर। लेकिन माय डियर, सब मरीन हथियार है, पर हथियार एक्सप्लेन नहीं करता। बेशक सर। सब मरीन को हम चलाते हैं, आदमी, और आदमी सोचने वाली मखलूक है,
अगर हमें पहले लम्हे से ये मालूम हो जाए कि हम किसी सेंसलेस तबाही के लिए नहीं, हमला आवर की कलाई मोड़ने के लिए निकल रहे हैं, तो ये बात हमें ऊंची आवाज से कह देनी चाहिए। वेरी ट्रू सर। ताकि माय डियर परवेज हमीद, शख्सी और कौमी जमीर पर कभी किसी टेढ़े सवाल का तारीख साया ना पड़े। रोजर सर। इससे होगा ये लेफ्टिनेंट कमांडर शमशाद कि तारीख पढ़ते हुए हमारे बच्चों को वो जो सिद्दीक कहता है ना, क्या रहेगी? मेरा ख्याल है तसल्ली रहेगी सर। नेगेटिव, कंफर्म तसल्ली। और दिस तसल्ली इज ऑल दैट मैटर्स। भाई मेरा तो गला सूख गया सिद्दीक, मुझे तो कॉफी पिलाओ। लेकिन समझ गया सर, वो छोटी वाली कॉफी। रॉजर सर, रॉजर सर। चीफ साहब, आप क्या कर रहे हो? पूछ रहा क्या कर रहा हूँ, और मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ? गलत नहीं चीफ साहब, पर ये आपका काम नहीं है ना। तो समरीन का काम तो है ना। जी हाँ। ना तेरा ना मेरा, सभी का काम ही है। तो फिर झगड़ा किस बात का है? कोई झूठ उठा के ले गया? झगड़ा नहीं चीफ साहब। हाँ। मैं आपका शागिर्द हूँ, आपका उस्ताद हूँ, मेरी ऐसी काम हजार। पर कहने का मकसद ये है चीफ साहब, मैं बोर्ड पे मौजूद हूँ और आप मेरा काम कर रहे हो, अच्छा नहीं लगता ना चीफ साहब? वो कौन सा गजब हो गया यार, जब मैं भी नया नया आया था ना इधर, तो तेरी तरह जूनियर था। कोई बात नहीं, हाँ चीफ साहब मुझे दे दो, बस कर दूंगा भाई। पर नहीं यार सब, अरे तुझे तो बुखार है, काम करने दे रहा, जा तू रेस्ट कर, शाबाश मैं कर लूंगा, शाबाश। अच्छा चीफ साहब, एक गुजारिश थी आपसे। हाँ। ये सब बुखार वाली बात ना सीओ साहब को मालूम नहीं होनी चाहिए। क्यों सर? वो कमांडिंग ऑफिसर है, उनका ध्यान बस बोर्ड की मशीन की तरफ रहना चाहिए। पर सर होता ये है कि कभी किसी के चोट का सुना या बुखार का सुना, सर ऑफिसरूम से निकल के फौरन दौड़े चले जाते हैं मिलने के लिए। हाँ यार नजीर अहमद, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमें सीओ बहुत अच्छा मिला। जो काम कर, वो लाल रंग का जो टूल बॉक्स है ना, उसका ना स्पैनर है, वो लेके आयल गिर रहा है, मैं उसको टाइट करूँ। हमें पता नहीं इसमें कितने दिन और रहना पड़े। तुम्हें काम करो, पंप रूम में जाओ और उनसे कहना कि एयर कंडीशन का पानी जो जमा हुआ है ना, जी जी, उसे बाल्टी में भर के तुमको दे दो, तुमसे ना लो। जाओ रॉजर सर, जाओ। नंबर वन सर, लास्ट ब्रॉडकास्ट कब पड़ी थी और क्या सिग्नल थे? सर लास्ट ब्रॉडकास्ट 12 घंटे पहले पड़ी थी, दो इम्पोर्टेंट सिग्नल्स। पानी की क्या स्टेट है? सर फुल राशनिंग इज इम्पोज्ड, रोटी और फ्रेश वेजिटेबल खत्म हो गई, कल से तीन वक्त चावल चलाए जाएंगे। रोजर। सुहेली भाई। यार रात में लेटूं तो दिल घबराता है, दिन में जी चाहता है लेटे रहूं। यार तुम्हें बुखार तो नहीं है? वैसे लग नहीं रहा। हो। मेरे ख्याल है दवाई ले ही लो एक्सो साहब से। वही दो गोलियां, एक्सो साहब ने और क्या देना है? यार अगर एक्सो साहब से दवा नहीं लेनी है तो फिर तसल्ली से स्पेशलिस्ट को दिखा दो। स्पेशलिस्ट वो कौन? ओहो ये कौन? अरे अपने सीओ साहब और कौन? अरे यार इतनी भी तबीयत खराब नहीं है, बेकार सीओ साहब को तकलीफ देनी है। अरे यार ताजा हवा नहीं मिल रही, जी चाहता है कि गाजी का हेज खोल कर ऊपर चला जाऊं, ऊपर डेक पे लेट के लंबे लंबे सांस लूं। क्या मैनुअल यार बाहर जाए तो मेरा एक काम कर देना। कौन सा काम? एक कुंडा लेते जाना। कुंडा? ये क्या
नहीं भूल गया। अरे यार वही अपने व्हेल मछली पकड़ने वाला कुंडा कुंडा। वो तो हंसी की बात थी। हाँ अब तो हंसा भी नहीं जा रहा यार। ये भी खूब मस्त रहता अपने गानों में यार। आवाज कुछ बूझी बूझी सी लग रही है। वहम है तेरा वहम। अरे चल पूछ लेना तुझसे, सवेरे अगर उसे कुछ चाहिए तो सूप शूप बना दूंगा मैं। ठीक है तेरे लिए भी बना दूंगा तसल्ली के साथ। जीता रहे। अच्छा वो अब तुम लेटो जी। अच्छा तसल्ली के साथ सोने की कोशिश करो। कैसी तबीयत है? ठीक है सर। सिद्दीक इनका खास ख्याल रखना। राजर साहब घबराने की जरूरत नहीं है, हम ये ऑपरेशन कंप्लीट करके इंशाल्लाह जल्द वापस जाएंगे। सर आप मेरी फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुड। तुम ठीक हो? यस सर। थैंक यू। अरे वाह वाह वाह। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कमांडर सफर का घर है, किससे बात कीजिएगा? लाला रो भाभी से। मामी शैला बाजी का फोन है। अच्छा आती हूँ। हेलो शैला कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम। समीर कैसा है भाभी? बुखार है उसको 102। अच्छा मैं आ रही हूँ। डोंट बी सिली, इस वक्त कोई जरूरत नहीं आने की, सुबह आना। आई एम वरिड लाला भाभी, अकेली हैं आप? अकेली थोड़ी हूँ, लुबना है, बाजी है, आमिर है। फिर क्या हुआ, मैं आ जाती हूँ ना। आराम से बैठो, कोई जरूरत नहीं आने की। अच्छा तुम ये बताओ तो अभी तक सोई क्यों नहीं? सुनिए अंकल जाग रहे हैं, वो मुझे टैक्सी में आप यहाँ छोड़ आएंगे। अपनी कह जाती हो, सुनती नहीं हो। मैं बर्फ की पट्टी रख रही हूँ, कम हो रहा है बुखार उसका, और वैसे भी समीर अभी सो रहा है। हाँ अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक तो हो ना तुम? बस शैला अल्लाह से दुआ करो कि सब खैरियत से हो। हाँ सुनो कल मिलाद में आना ना भूलना मेरे घर पे। ओके ओके खुदा हाफिज़। ये इस वक्त हम किसी भी तौर पर देर अफोर्ड नहीं कर सकते। रोजर सर, गुलाम नबी क्या पोजीशन है? सर एक पिस्टन में क्रैक है, पिस्टन बदली करना पड़ेगा। कितना वक्त लगेगा? सर ये कोई 5 घंटे लग जाएंगे। नेगेटिव, ये किस तरह मुमकिन है? बैटरी की पोजीशन मालूम है तुम्हें? यस सर। ओनली 1 आवर, 1 आवर। रोजर सर। ओके सर। इकोनोमाइज इलेक्ट्रिसिटी। सर दोनों इंजन फिट हैं, अब हम स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं। दैट्स वेरी गुड, एक्सलेंट भाभी, एक्सलेंट। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। थैंक यू। नंबर वन
prepare to come to periscope depth. Roger, sir. Prepare to come to periscope depth. Less snorkel on two engines. تمام ایکسرسائزز اور نقصوں اکسوں کے چکر میں کہیں اپنا وکرانت کھو نہ گیا؟ نو سر، ایس پی کیا بات ہے، دیئر یو آر. دیکھیے، ہم نے اسے پورٹ وشاکھاپٹنم سے نکال کر ادھر ایٹ دا مومنٹ ایسٹ پاکستان کے سامنے کھڑا کیا ہے اور ہم برابر دباؤ ڈال رہے ہیں. سو دس از دی پوزیشن، یو نو ایڈمرل سورے، ہائی اپس کا مطلب مکھیہ کاریالے کا مشورہ بھی یہی تھا کہ ادھر ایسٹ میں ایئرکرافٹ کیریئر وکرانت رکھو اور ادھر ویسٹ میں ڈسٹرائرز بھیجو. سو اسی کارن وی ہیو آلریڈی ڈن دیٹ. اچھا، میں چلتا ہوں. کیپٹن سر، ہم مائننگ ایریا سے صرف 7 میل کے فاصلے پر رہ گئے ہیں. یہاں سے ہم کورس 350 کر کے مائننگ ایریا میں انٹر ہوں گے. روجر نیویگیٹر، شو می دی چارٹ. سو دیٹس اٹ. Our target. No, bhai. تھوڑی دیر بعد ہم اپنے ٹارگیٹ پہ پہنچنے والے ہیں. اور فٹافٹ تیاری پکڑو اور تگڑے ہو جاؤ. رات ہو یا دن، ہمیں کام نمٹانا ہے. اوکے، ہاں دیکھ. Attention all positions. This is your captain. ہم ٹارگیٹ پہ پہنچ چکے ہیں اور مائننگ آپریشن شروع کر رہے ہیں. ایکشن اسٹیشنز پر اپنی پوری لیاقت اور پوری قابلیت کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ مستعد رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Captain sir, we are ready for the mining operation. We are 5 miles short of the mining area. Steering course 350, going motor head 2/3. Depth below keel is 50 meters. Action stations, close up sir. Roger. Captain sir, 1 mile to go to launch mine number 1 sir. Roger. Captain sir, permission to open muzzle door sir. Open muzzle door tube number 1. Open muzzle door tube number 1. Roger sir. 500 meters to go sir. Tube number 1, muzzle door open sir. Roger. 100 meters to go sir. Captain sir, time to launch mine number 1. Stand by to launch mine number 1. Stand by to launch mine number 1. Roger sir. Shoot mine number 1. Shoot. Mine away, sir. Shoot mine number 2. Hello. Kya kar rahi ho? Kuch nahi. Bas baithi hui hu. Udaas ho kya? Purani baat hai. Submariner's wife ho na. Akele aur udaas rehne ki to aadat si pad gayi hai. Sab theek hoga. تم بالکل فکر مت کرو. ڈونٹ یو وری. ایسے کیوں نہیں کرتی کہ میری طرف آ جاؤ، بیٹھیں گے، باتیں کریں گے. تھینک یو ویری مچ لالا. آج نہیں،
انشاءاللہ کل یا پرسوں آؤں گی. ٹھیک ہے اوکے چلو ٹھیک ہے اوکے سی یو ٹمارو دین. بیٹا شکر ہے. لالا بیٹا یہ آخری فلائٹ تھی ڈھاکہ سے, وہاں تو سب بند ہو گیا. کیا سب بند ہو گیا؟ ہاں بیٹا, وہ چٹاگانگ بیس پر عزیز احمد خان ہے نا ظفر کے دوست لیفٹیننٹ کمانڈر, ہاں انہی بیچاروں نے تو بڑی مشکل سے ہمیں ڈھاکہ سے سوار کرایا. ظفر کی کوئی خبر ہے؟ نہیں ممی, وار پیٹرول پر گئے ہوئے ہیں, آنے پر ہی پتا لگے گا. شکر ہے ویسے آپ لوگ آ گئے. سمیر دیکھو کون ہے بیٹا, جلدی آؤ باہر. باجی آؤ جلدی, دیکھو کون آیا ہے. امی بہت دبلی ہو گئی ہیں آپ. امی ابو آ گئے آپ لوگ, آ گئے آپ لوگ, خدا کا شکر آپ لوگ آ گئے. ابو ابو بیٹا چلیں باجی, امی ابو کو اندر لے چلتے ہیں. امی سامان بھی لے آئے. یو بورڈ کی رولنگ سے اندازہ ہوتا ہے کہ سی اسٹیٹ از ویری بیڈ. آپ کا اندازہ درست ہے سر, اس ڈیپ پر بھی سب میرین کافی رولنگ کر رہی ہے. اوکے یو کیپ ار سٹڈی. روجر سر. رائٹ فل رڈر سٹیئر 120. رائٹ فل رڈر سٹیئر 120. راجر سر. سر اس کورس پر سب بیئرنگ سٹیبل ہو جائے گی. سٹیڈی ہر آن 125. روجر سر. سٹیئر 125. سٹیئر 125. راجر سر. Captain sir, 2000 meters to go to launch mine number 18 sir. Tube ready for launching sir. 500 meters to go sir. Stand by to launch mine number 18. 100 meters to go sir. Roger. Time to launch mine number 18 sir. Shoot mine number 18. Shoot mine number 18. Mine number 18 on bottom sir. Bravo Zulu Sonar. Attention all positions, this is your captain. ہم نے کام کا بڑا حصہ پورا کر لیا ہے, چاہیں تو گھر واپس جا سکتے ہیں. وشاکھاپٹنم اتنے پر بھی بند رہے گا. پاکستان نیوی کے سب مرینر کام ادھورا نہیں چھوڑتے. ایک بات اور کہوں گا ساتھیوں, آپ نے پاکستان کی نیول ہسٹری میں نہیں پاکستان کی جنگ کی تاریخ میں یادگار کام کیا ہے. سب مریینرز کی اگلی نسلیں آپ پائنیئرز کو ہمیشہ عزت دیں گی, یاد رکھیں گی انشاءاللہ. صدیق ذرا اپنی تسلی والی چائے لاؤ. لیکن سب میرین غازی
अपने जुरतमंदाना और दिलेराना मिशन में कामयाब रही। लेकिन ऑपरेशन के आखिरी मरहले में, जबकि वो इंतहाई कम गहरे पानी में थी, अचानक समंदर में पैदा हो जाने वाली तेज रौ के बायस अपनी ही बिछाई हुई एक बारूदी सुरंग से टकरा गई। इस तरह हमले के 93 गाजियों ने जामे शहादत नौश किया और बहरिया की जंगी तारीख में इन जांबाजों ने अपनी बहादुरी और अज़्म हिम्मत की लाजवाल दास्तान रकम की। मेरा है हक के शहीदों वफा।